When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, फाइनली आ गया हूँ मैं वापस एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, एक नई नवेली बाइक लेके। सो यार, फाइनली हमारे सामने है TVS की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड रॉनिन। तो यार, बाइक के तो क्या कहने, बहुत बहुत प्यारी बाइक है। इस प्राइस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया गाड़ी कोई हो सकती है। तो वीडियो में हम लोग सब कुछ करेंगे, राइड वगैरह भी करेंगे, आपको मैं एग्जॉस्ट नोट भी सुना दूंगा। तो सबसे पहले यार, मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लूँ तो फ्रंट में यार हमको मिल जाते हैं इसमें LED हेडलैम्प्स, साथ में LED इंडिकेटर्स, जो कि यार बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी आपको LED हेडलैम्प्स और LED इंडिकेटर्स ऑफर कर रही है, तो अब बिग थम्स अप टू TVS। अब बात कर लेते हैं यार अगर हम इसके इंजन की और इसकी साइड प्रोफाइल की साथ साथ, तो साइड में हमको एक TVS का लोगो मिल जाता है देखने के लिए, बहुत ही प्यार सा, जो कि है एक हॉर्स, और बहुत ही प्लेन सिंपल सोबर सा रखा गया है लुक को। साइड में रॉनिन की बैजिंग मिल जाती है। वहीं पे अगर इंजन की बात करें तो इसमें हमको 225 cc का एक इंजन मिल जाता है, साथ में एक 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। 225 cc इंजन के हिसाब से 14 लीटर्स बहुत है मेरे हिसाब से तो यार। तो यार, अब अगर इंजन की बात कर ही रहे हैं तो ये इंजन हमको 20.4 PS की मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर देता है एट 7750 RPM विद मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 19.93 एट 3750 RPM। बाकी इस पावर के हिसाब से हमको इसमें ब्रेकिंग भी काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। आगे पीछे दोनों ही हमको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं विद ड्यूअल चैनल ABS, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ब्रेकिंग गाड़ी की बहुत अच्छी होने वाली है यार। अब यार एक काम करते हैं, सीधा बढ़ते हैं गाड़ी की सस्पेंशन की तरफ। फ्रंट में यार हमको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, तो ये भी एक गाड़ी का एडवांटेज है यार। गाड़ी के सस्पेंशन बहुत ही अच्छे हैं, आई होप गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल राइड हमको प्रोवाइड कर देगी। और जिसमें जो बॉडी टाइप मिलता है हमको एक क्रूसर बाइक्स और कैफे रेसर बाइक्स में जाता है, मेनली ये क्रूसर बाइक ही है, एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है बाइक की। बाकी डायमेंशंस की बात करें तो इसकी विड्थ है 805 mm, लेंथ इज 2040 mm, और जो हाइट भी सही है यार गाड़ी की 1170 mm। फ्यूल कैपेसिटी में आपको इसकी बता चुका हूँ ऑलरेडी, 14 लीटर। सैडल हाइट है गाड़ी की 795 mm। ग्राउंड क्लियरेंस भी बाइक हमें ठीक ठाक प्रोवाइड कर देती है, ठीक ठाक क्या, अच्छा ही ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि है 181 mm का। व्हील बेस इसमें हमको मिल जाता है 1357 mm। अगर मैं बाइक के वेट की बात करूँ यार, तो बाइक काफ़ी लाइट वेट है, इसका कर्व वेट है 160 kg। अब यार अगर हम बात करें कि इसमें मीटर की, इसमें हमको मीटर कैसे मिलता है, तो इसके अंदर एक डिजिटल मीटर मिल जाता है हमको, जो एक बहुत ही प्यारा लुक देता है हमको। इसी के अंदर हमें एक टैकोमीटर, एक ट्रिप मीटर और एक ओडोमीटर भी मिल जाता है। और इसकी चाबी देखे तो यार काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है इसकी, क्योंकि हाँ कुछ अलग सा, कुछ स्पेसिफिकेशंस तो नहीं है इस चाबी की, बट हाँ देखने में प्यारी है चाबी काफ़ी इसकी। और इसके बटन और स्विचेस वगैरह की बात करें तो इधर की साइड आपको मिल जाता है एक पास बटन और एक लाइट का बटन, लो बीम हाई बीम। और क्लच देखे तो क्लच बहुत ही स्मूथ है यार, क्योंकि स्लिपर क्लच है इसके अंदर। ये हॉर्न का बटन, ये इंडिकेटर्स और ये एक आई बटन मिल जाता है, इससे आप मीटर के मोड्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको दो मीटर मिल जाते हैं, अर्बन मोड और रेन मोड। इधर की तरफ आपको किल स्विच मिल जाता है एक नॉर्मल सा, और ये हज़ार्ड लाइट के लिए, चारों इंडिकेटर साथ में मिलाने के लिए। इधर आपको सेल्फ मिल जाता है। ब्रेक्स भी बाइक के काफ़ी स्मूथ फील हो रहे हैं, ये तो वैसी नई बाइक है तो इसमें तो स्मूथ फील होने ही ठहरे। और यार इसमें रियर में हमको मोनोशॉक विथ 7-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, और ब्रेक्स तो मैंने आपको इसमें बताई दी। आगे पीछे हमको दोनों ही डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। टायर साइज भी यार अच्छा खासा मिल जाता है, ड्यूअल चैनल ABS ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें हमको मिल जाता है। और फ्रंट टायर साइज़ की बात करूँ तो फ्रंट टायर साइज़ मिल जाता है हमको 110/70/17 और रियर है 130/70/17। व्हील साइज़ यार हमको फ्रंट का मिलता है 431.88 mm और रियर व्हील साइज़ हमको मिलता है 431.8 mm। आगे पीछे दोनों ही हमको बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं यार। बाकी यार अगर बाइक की हाइट की बात करें तो हाइट बाइक की हमें बढ़िया मिल जाती है, जो कि है 1170 mm एंड सैडल हाइट है 795 mm। तो हाइट यार गाड़ी की एक डिसेंट हाइट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है।
तो यार जब हम हाइट की बात कर ही रहे हैं तो एक बार मैं आपको बाइक पे बैठ के भी दिखा दूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि बाइक की हाइट कैसी है। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है यार, 5'11" से ऊपर ही। आप देख सकते हैं मेरे लिए बाइक में एकदम कंफर्टेबल फील हो रही है, पैर एकदम अच्छे से टिक रहे हैं। अगर कोई छोटी हाइट का बंदा भी है तो उसको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाइट गाड़ी की बहुत प्यारी है, और गाड़ी बैठते ही साथ जो मेरे को पहला फील दे रही है वो ये है कि गाड़ी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रही है, मेरे को ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा, मतलब मैं लॉन्ग राइड पे गाड़ी को आराम से लेके जा और सकता यार हूँ। सबसे अच्छा पॉइंट जो मेरे को इस बाइक का लगा वो ये है कि इस पे हम अपने पेरेंट्स को, मम्मी वगैरह को आराम से बिठा के घुमा सकते हैं, कोई उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी कंफर्टेबल राइड होगी उनके लिए भी। एक बार मैं आपको अपने दोस्त को भी बिठा के दिखा देता हूँ बाइक के ऊपर, क्योंकि मेरे दोस्त थोड़ा लीन है, मैं थोड़ा बल्क हूँ, मैं भी बाइक पर सही लग रहा था, बाकी अब ये थोड़ा लीन है, इसके ऊपर भी बाइक अच्छी लग रही है। एक बार मैं आपको चारों तरफ से बाइक का लुक दिखा देता हूँ, आगे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है, और अगर मैं पीछे जाके दिखाऊँ तो एक सेकेंड, पीछे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है यार। सही यार, बाइक बहुत ही डिसेंट बाइक है, एक प्यारी बाइक है, फैमिली पर्पस भी आपका पूरा कर देगी, और अगर आप लंबी राइड से शौकीन हैं, आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना पसंद है, तो उसके लिए भी एक बहुत ही कंफर्टेबल राइड होने वाली है ये। तो यार अब एक काम करते हैं, इस बाइक को निकालते हैं बाहर, आपको सुनाता हूँ मैं सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट नोट, और फिर लेके चलते हैं इसको एक छोटी सी राइड पे। बाइक को बाहर ले आए यार, आप फटाफट से इसका एग्जॉस्ट नोट कर सुनते लिया। हैं। गाड़ी काफी स्मूथ फील हो रही है, मतलब अभी हैवी हम ट्रैफिक वाले एरिया में यार। चलो पहले मैं थोड़ी सी चला लेता हूँ, तुम भी थोड़ा राइड का मजा लो और फिर बताता हूँ कैसी गाड़ी है। स्मूथ तो लग रही है अभी तक। तो नो डाउट यार गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, उस टाइम मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया इसलिए मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ, बट मैंने जब गाड़ी चला के देखी तो लिटरली मेरे को गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ लगी, बहुत कंफर्टेबल इधर से लगी, ना गियर शिफ्टिंग गाड़ी की, मक्खन जिसे कहते हैं ना, मक्खन। अब यहाँ पे गाड़ी को थोड़ा पुल करते हैं, तो यार इसमें तो कोई डाउट नहीं कि मेरे को बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुई है, और अभी जब मैंने बाइक पुल करी तो मतलब पावर लाइक मेरे को कहीं पे भी फील नहीं हुआ, गाड़ी काफ़ी अच्छे से खींच रही है, मज़ा आ रहा है गाड़ी को चलाने में। ये बाइक पता है यार किस टाइप की, कि बस फन टू राइड, कहीं भी गाड़ी लो और बस निकल जाओ, मतलब मज़े में मज़े मारो, बाइक में मज़े वाली बाइक है। और यार इसमें मैं आपको बताना भूल गया एकदम कि इसमें हमको स्लिपर क्लच मिलता है, जिसकी वजह से यार मेरे को बाइक और ज़्यादा स्मूथ फील हुई है, मतलब जिसका क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो यार आई होप मैं आपको बाइक के बारे में सब बता चुका हूँ, मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ, एंड यार आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक्स, हमारी 500 की फैमिली फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, और यार जल्दी से आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो तो फिर एक बहुत ही तगड़ा गिव अवे भी आने वाला है चैनल पे। और यार इसी के साथ हमारी वीडियो भी यहाँ पे एंड हो गई है, मतलब हमारी राइड एंड हो चुकी है, तो वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं यार, और वीडियो पसंद आई होगी तो टू हिट द लाइक बटन, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी बाइक और बढ़िया से ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।